वेलकम व्यूअर्स, देख रहे हैं आप लोग का ब्रिंस कुकिंग चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते का सालन। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यह है मेरे पास ऑलमोस्ट 600 ग्राम बीफ मिंस और इसमें मैंने थोड़ी सी चिकनाई भी ऐड कर दी थी। गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्चे, नमक, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज, एक बड़ी हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा हरा धनिया और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब ये आप लोग देख सकते हैं, 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टीस्पून खशखश का पाउडर और 1 टीस्पून बादाम का पाउडर, इन सबको मैंने बारीक पीस लिया था। तो एक साथ पीस के इनके कोफ्ते बना के फिर आपको दिखाती हूँ। बस ये आप लोग देख सकते हैं कोफ्ते बन के तैयार हैं और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने को रख दिया है। जी व्यूअर्स, अभी आप लोग देख सकते हैं ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 अदद मीडियम साइज की फ्राई प्याज। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप ये देख लीजिए, हल्दी, लाल मिर्चें, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, ये सारे मसाले आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ये सब इसमें चले जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप दही। दही डालने के बाद भी इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें 1-1 करके ये कोफ्ते ऐड कर दूंगी। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने मसाले में कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। अभी मैं इसको कवर नहीं करूंगी, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे पकने को छोड़ दूंगी। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कोफ्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी हम इसमें चमचा बिल्कुल नहीं लगाएंगे बल्कि इसको बस इस तरह से हल्के हल्के इसको हिलाते रहेंगे। जी व्यूअर्स, अभी आप लोग देख सकते हैं 6 से 7 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही खोल के पकाया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको बस बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और बस अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट में को छोड़ दूंगी। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं मज़ेदार कोफ्ते बनके तैयार हैं। अब इसके ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया। अब बस मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर करके दम पे छोड़ दूंगी। जी व्यूअर्स, अभी आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।